गेट्स इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद बंद कर देते हैं, खतरे की घंटी टन 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 करने लगे। फाइनली अभी अपन पहुंच चुके हैं, अभी जस्ट एंट्री करी है, 25 रुपीज पर मेंबर है और बाइक पार्किंग थी अपनी 10 रुपीज। यहाँ से मे बी 1.8 माइल का है यहाँ से पैदल पैदल फोर्ट तक का। भाई एक पुराने सूत्रों के हिसाब से पता लगाया गया है कि ये ना आपको ये पत्थर्स के दिख रहे हैं स्टोन्स के, ये पहले मार्केट हुआ करता था और ये मार्केट में जो भेजा था वो इत्र वगैरह तांत्रिक में महारानी के लिए, तो वो यहीं से बाय किया था उन्होंने। बाकी इसकी कहानी मैं आपको अंदर पहुंच के बताऊंगा। मार्केट काफ़ी बड़ा है, ये पहले हार्ट हुआ करती थी। उस गेट से चलते चलते इस गेट पे आप पहुंचे, होगा यहाँ से 500 मीटर अराउंड। तो ये है अपना मेन गेट, यहाँ से स्टार्ट होता है अभी अपना भानगढ़ फोर्ट। तो यहाँ पर फ्री में सेवा की जाती है, आंटी यहाँ सबको पानी वानी पिलाती है अच्छे से। भाई धर्मेंद्र भैया का बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है, ड्रोन बहुत तरीके से लेके आए थे और मना कर दी। कोई नहीं, ट्राई करेंगे, चुपचाप से उड़ा डाले ऐसे लेके घूम रहे हैं अटैची की तरह। चुपचाप उड़ा देंगे और कह देंगे हाथ से छूट के उड़ गया है। ओ ये पंछी था क्या? पंछी था क्योंकि उड़ गया है, इसको बुला रहे हैं कूर 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 आ। ओ दाना डाल के वापस बुलाएंगे उसको। थोड़ा रिस्क लग रहा है उड़ाने में, ट्राई पूरा रहेगा। ड्रोन शॉट आपके इस वाले व्लॉग में मेरे में भी आएंगे। चल चल के ना सांस भी फूलने लग गई, चढ़ाई तो अभी आनी है, अभी तो बस चले जा रहे हैं। चलते चलते यूं ही थक जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे खुद भी देखेंगे। एंजॉय करना है तो थोड़ा बहुत चलना भी पड़ेगा। भाई मेन चढ़ाई ना अब स्टार्ट हुई है, ये भानगढ़ का फोर्ट। चढ़ाई यहाँ से चालू करते हैं। आगे हमारे यूट्यूबर चलते हुए धर्मेंद्र सिंह भैया, इनका यूट्यूब चैनल है सिंह धर्मेंद्र, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इनकी। तो अब स्टार्ट होता है यहाँ से भाई मेन गेट। यहाँ बैठते थे शायद से महारानी के सिक्योरिटी गार्ड, पता नहीं भाई, जस्ट मजाक कर रहा हूँ, बाकी अंदर जाके ही पता लग पाएगा। यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि पुराने टाइम के राजा क्या ऐश मौज किया करते थे। वो अलग बात है कि कोई तांत्रिक आया और उनकी जान ले गया, जो भी था उसकी स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा ध्यान पक्के से। और ये सिक्योरिटी गार्ड का रूम भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ शायद से महारानी के सिक्योरिटी गार्ड बैठते होंगे। भाई लोग आपको दिख रहा होगा कि ऊपर की तरफ गेट्स लगे हुए हैं, गेट्स इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद बंद कर देते हैं, जिससे टूरिज्म जो है और बाहर के जो लोग हैं वो अंदर ना जाएं, क्योंकि 5 बजे बाद यहाँ बोलते हैं कि खतरा बढ़ जाता है, खतरे की घंटी टन 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 करने लगे। अजीब सी स्मेल आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब ब्लड की स्मेल आती है ना, बहुत गंदी स्मेल आ रही है इधर में। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हॉरर स्टोरी, मतलब भानगढ़ फोर्ट की स्टार्टिंग। पता नहीं महारानी का यहाँ बेडरूम था, हम पहुँच चुके हैं महारानी की बालकनी पे। मन तो कर रहा है महारानी की बालकनी पे एक चाय मारी जाए, बट यहाँ कुछ भी नहीं है। ये है यहाँ के कुछ नज़ारे और स्टोरी, अब मैं आपको कहीं बैठ के आराम से बताने वाला हूँ क्या स्टोरी थी यहाँ की। ऊपर जो कुटिया देख रहे हो ना उसका ध्यान रखना, स्टोरी में भी आपके साथ शेयर करूँगा पूरी। आप लोगों का ना सपोर्ट चाहिए, ड्रोन अपन ने उड़ा दिया है, इस व्लॉग में आपको ड्रोन शॉट्स भी मिलने वाले हैं, शायद आवाज़ आ रही होगी आपको ड्रोन की। तो पहले से सब्सक्राइब कर लो, जिसने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। इसके बाद अब पूरी स्टोरी आने वाली है आपके सामने, पहले आएंगे ड्रोन शॉट्स, उसके बाद मैं पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ यहाँ की। तो मिलते हैं फिर स्टोरी पर। दोसा की मिली थी कुछ फैमिली अपने को यहाँ पर, ये हैं पूरे भाई लोग सारे,
और यहाँ खड़ी है कुछ माता है और बहन है। आकाश निवोद है भाई, स्टिकर दे दिया है, सब्सक्राइब कर दिया और कह रहा है भैया टेंशन मत लो, वहाँ जाके बहुत सब्सक्राइबर बढ़वा दूंगा। और मेरे एक हमारे मीना जी हैं, एक ये करवाएंगे। चलो जी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, सो इसके 100 मेरे करवा दूंगा दोस्तों। तो बस फिर और चाहिए क्या, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ऐसे प्लीज करते रहो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। यहां के नहीं, हम सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। भाई क्या बोल रहा है, कर लेना उस चीज को, मेरी बात तो मान नहीं रहे, क्या पता इसकी बात मान लो। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक हॉरर स्टोरी। जी हाँ, भानगढ़ का सच, भानगढ़ का सच, एक श्राप के कारण बना भूतों का भानगढ़। जी हाँ, कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी, कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे, मतलब रिश्ते आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार अकेले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। मैंने आपको नीचे में पत्थर का वो दिखाया था ना, वो वहाँ का बाजार हुआ करता था। बाजार में एक इत्र की दुकान हुआ करती थी। उसी समय उस दुकान के कुछ दूरी एक सिंधु सेवड़ा करके बंदा खड़ा था। वो बंदा, वो व्यक्ति कौन था, वो व्यक्ति ऊपर जो मैंने आपको भी झोपड़ी दिखाई थी जिसमें मैंने बोला फोकस करना, जी हाँ वो थी सिंधु सेवड़ा की। सिंधु सेवड़ा जो था वो राजकुमारी को बहुत ज़्यादा निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था, मतलब अजबगढ़िया पास में एक जगह है, वो उस पर भी नज़र रखता था और वो भानगढ़ पे भी नज़र रखता था। वो काला जादू का तांत्रिक आदमी था, फुल ऑन, मतलब कहते हैं ना तांत्रिक, एक बार में जादू के आदमी साहब, भगवान ऐसा कभी मिले ना मेरे जैसे को तो कभी। कथित रूप से भाई राजकुमारी को देख के तांत्रिक जो था ना फिदा हो। उस तांत्रिक ने क्या किया, नीचे मार्केट से, जिस मार्केट से राजकुमारी अपना इत्र खरीदा करती थी, उसी दुकान पर वो गया। उसने वो इत्र में भगवान जाने क्या पड़ा क्या किया, और वो इत्र दुकानदार को बोला कि आप महारानी को पहुंचवा दें। महारानी को पता नहीं कहां से पता लग गया कि वो इत्र तांत्रिक का पड़ा हुआ है। उस इत्र की बॉटल, मतलब जो इत्र की बॉटल थी, वो महारानी ने एक पत्थर पर फेंक के मारी और वो पत्थर जो था वो एक मोहित हो गया और वो उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पास उड़ता हुआ गया और उस तांत्रिक को कुचल दिया। जी हाँ, ये सच स्टोरी है, हर जगह लिखी हुई है, हर गाइड बता रहा है कि ये सच है। ये जो महल है ये किसने बनवाया, ये 1573, मतलब 1573, भाई तो डेट याद भी नहीं रहेगी भाई, 1573 मतलब 15th century, आमेर के राजा थे एक भगवंत दास, उन्होंने ये किला बनवाया। मुझे ये नहीं पता कि रत्नावती के साथ उनका क्या रिलेशन था, बच्ची थी बेटी थी क्या था, वो मुझे नहीं पता, बट भगवंत दास जी ने ये 1573 में बनाया था। उसके बाद ऊपर यार, मतलब सीरियसली इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, मतलब एक ब्लड की, मेरे को जो हॉरर वाला सीन है ना, मेरे को यहाँ के नहीं लगा 1% भी सीरियसली। बट जगह अच्छी है, आप ब्लॉग देखना, उसके बाद खुद से डिसाइड करना कि आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा 50%, अगर हाँ कोई किसी का मन है घूमने के लिए, जाना है तो वो जा सकता है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे यहाँ कुछ खास लगा नहीं, जो बोलते हैं कि हॉरर है ये है वो है, नथिंग। बट यहाँ आके बहुत मज़ा आया। अभी छोटा मोटा और भानगढ़ छोटा मोटा और दिखाने वाले हैं, जो यहाँ का लॉन है ना बहुत बड़ा है, और जो रत्नावती की बालकनी हुआ करती थी ना भाई, वहाँ से सब कुछ दिखता है यार, बाजार तक दिख रहा था पूरा, मतलब महारानी वहीं से देख लेती होगी। हाँ आज बाजार खुला हुआ है, चलो बाजार चलते हैं। सेवा की इतने सारे हुआ करते थे कि इशारा करने की देरी है, उनके लिए सब कुछ हाजिर है। बट मन था कि वहाँ जाएं हम वही झोंपड़ी पर, बट जब देखा ना चढ़ाई इतनी है, मैंने कहा नहीं अपन नहीं जा सकते, अपने को निकलना है कहीं और। और ये व्लॉग करूँगा मैं आज अभी थोड़ी देर में एंड, और व्लो दूसरा व्लॉग जो है वो चालू होगा बाद में। वो कहाँ का व्लॉग होने वाला है वो आप इस व्लॉग में थोड़ा कमेंट करके बताना कि कहाँ का हो सकता है, बट आपको इतना बताया तो हम अलवर जा रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर हो सकता है ये चीज़ भी आप बताना थोड़ा कमेंट करके। यार दिमाग लगाओ, हार्ट दिखानी है, और शायद मैंने इससे पहले आज तक कभी लंगूर बंदर कहीं नहीं देखे जितने यहाँ देखने को मिले। मेरे साथ पता लगा है भाई, इधर 5 मंदिर है यार, मतलब ये नहीं पता कौन कौन से मंदिर हैं। एक तो हनुमान जी का है और 4 और भी मंदिर हैं बट याद नहीं है सच में, बट सूत्रों के साथ जो पता लगा ना तुरंत बता दिया है मैंने। अभी भानगढ़ को बाय बाय करने का टाइम आ गया है, निकल रहे हैं बाहर की तरफ। दोबारा से वो मार्केट दिखा दूंगा भाई, ऊपर से जो दिखता था चूड़ी मार्केट, इत्र मार्केट, कुछ भी कह सकते हो। चलते 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 धीरे धीरे पहुँचते जा रहे हैं भाई एग्जिट गेट पर,
मन नहीं कर रहा जाने का, बट आप लोगों के लिए बहुत चीज़ एक्सप्लोर करनी है, बहुत चीज़ें दिखानी है। लाइफ बहुत लंबी है और कहने को कहते हैं कि बहुत छोटी भी है। छोटी इसलिए है, कुछ नहीं पता कब कहाँ कैसे कुछ हो जाए, भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। हाँ, अभी तो जीना है अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी। खुद भी घूमूंगा, आप लोगों को भी घुमाऊंगा। चलते चलते यूं ही कट जाएंगे रास्ते, वापस के लिए चल दिए हैं। इस व्लॉग को करने जा रहा हूँ एंड, होप करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना जितना हो सकता है। और जो भी मेरा भाई इस नए चैनल पर नया है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और धर्मेंद्र भैया को भी सब्सक्राइब करना। ये बहुत सपोर्टिव है, बहुत टाइम हो गया इनको करते करते, तो प्लीज़ इनको भी सपोर्ट करना। डिस्क्रिप्शन में भैया की लिंक छोड़ दूंगा, सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। और जितना मैंने अपना किया 100% दिया है अपनी तरफ से, कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ बताना, उस चीज़ को ठीक करने के लिए अपन तैयार हैं। जहाँ से अपन ने एंट्री टिकट ली थी वहाँ मेरी GoPro की बैटरी हो रही है चार्ज, ध्यान से पिक कर लेंगे नहीं तो लग जाएगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, इजाज़त चाहेंगे आपसे, करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। बाय बाय।